वाइफ को हॉट वाइफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मेरा लास्ट वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर था जिसे मैं आज इस वीडियो में पूरा करने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने वाला है, खासकर उन लोगों को जो कि कुकल्ड की फैंटेसी रखते हैं, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले वही मेरी कुछ दो बातें कि ये जो चैनल है ये बेसिकली या स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लाइफस्टाइल कपल है या फिर वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हो, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट रखते हो। तो इस चैनल में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन आम तो हो ही नहीं सकती ना, तो वो लोग जो कि इस ब्रॉड माइंडसेट के नहीं हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर दें क्योंकि इस वीडियो में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन आपके मतलब की नहीं है। आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात चाहे इंट्रोवर्ट फीमेल की हो या एक्सट्रोवर्ट फीमेल की, उसकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो किसी और मर्द के साथ फिजिकल होने का ख्याल सोचती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब ऐसा विचार किसी आदमी के दिमाग में आता है और परिस्थितियां भी उसे बिल्कुल अपने अनुकूल मिलती है तो वो ज्यादा सोचता नहीं और आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई फीमेल इस तरह के ख्याल में डूबती है तो बहुत ही जल्द अपने आप को झटक कर साइड कर देती है कि हटा, क्या आल बला मैं सोच रही हूं। और अगर कोई फीमेल ऐसा करने का मन ही मन विचार बना भी ले, अंदर से वो चाहत रखती भी हो, तो समाज का डर तो उसे बाद में सताएगा, पहले तो अपने पति का डर ही उसको सताने लग जाता है। तो ये जो डर है उसके मन का कि मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा, आपको इसी डर को तो उसके निकालना है। जनरली सभी फीमेल का एक माइंडसेट होता है कि कोई आदमी अपनी वाइफ को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। यही माइंडसेट आपकी वाइफ का भी हो सकता है। इसी माइंडसेट को, इसी सोच को आपकी उसकी बदलना है। और किसी की सोच को बदलना कपड़े बदलने जैसा आसान नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो आप क्या सोचते हैं उसे ये बताने की बजाय वो क्या सोचती है इन सब चीजों के बारे में, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जब उसके दिमाग में किसी और से हम बिस्तर होने का ख्याल आता है तो ये चीजें उसको एक्साइट करती है या उसका मूड खराब करती है। ये पता करने के लिए आप उसका मूड देखकर कुछ थ्रीसम जैसी फिल्में उसे दिखा सकते हो, कुछ ऐसी बोल्ड वीडियोस जिसमें तीन लोगों का मिलन हो रहा हो, ये चीजें उसको दिखाकर उसका ओपिनियन जानने की कोशिश कर सकते हो कि वो क्या सोचती है, क्या बोलती है। हल्की फुल्की चीजें अपनी फैंटेसी के बारे में बोलकर देखिए, उसका ओपिनियन जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, हो सकता है शुरू शुरू में ये सारी बातें सुनकर बिदक जाए और सुपर कॉन्शियस हो जाए, ये सोचकर कि पता नहीं ये मेरे कैरेक्टर पे कोई शक तो नहीं कर रहा है, मुझे टटोलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे सारी चीजें दिखा रहा है। तो उसके मन में अगर कुछ पॉजिटिव होगा भी ना तो भी वो आपको नेगेटिवली बोलेगी। तो आपको पेशेंस बना के रखना है और तवा गर्म होने का इंतजार करना है। टाइम टू टाइम उसका मूड देखकर अपनी बात को रखते रहिए, अपना पक्ष रखते रहिए। आज नहीं तो कल वो आपको सीरियसली होकर सोचना शुरू करेगी, आपकी बातों पर गौर करना शुरू करेगी, क्योंकि वो भी ये समझेगी कि कोई इंसान इतने टाइम से मुझे एक ही चीज को लेकर बोले जा रहा है, मैं इतनी बार मना कर चुकी हूँ, कहीं ये सीरियसली इन चीजों को चाहता तो नहीं है, कहीं ये इसकी फैंटेसी तो नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है जिसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, बट पेशेंस इज अ की। आप एक ही दिन में अपने अरमानों की उल्टी उसके सामने मत कीजिए कि आप थ्रीसम भी दिखा रहे हो, कुकल्डिंग के आर्टिकल भी पढ़ा रहे हो, जोक की तरह उसके पीछे चिपक गए, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, वो फ्रस्ट्रेट हो सकती है। कुकल्डिंग जैसा नाम जो आपके मुंह से वो पहली बार सुन रही है, हो सकता है उसे जानने में टाइम ना लगे लेकिन उसे समझने में टाइम लग सकता है। बस वही टाइम आपको उसे देना है। आप उसे अलग अलग सोशल साइट पे जो कुकल्डिंग से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, हॉट वाइफ से रिलेटेड, शेयरिंग, इस तरह के आर्टिकल पढ़ने के लिए दे सकते हो। कोरा पे तो कितने ही लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं कि मेरा हॉट वाइफ की जर्नी कैसी रही, मेरा कुकल्डिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस तरह के आर्टिकल के लिंक आप उन्हें पढ़ने के लिए दे सकते हो, जिन्हें पढ़कर उसे लगेगा कि जो चीजें मुझे नई लग रही हैं उसे तो लोग कर करके पुराने हो चुके हैं। जैसे उसे आपको लगे कि थोड़ा सा इंटरेस्ट वो लेने लग गई है, तभी अपनी फैंटेसी धीरे धीरे उसे बताना शुरू कीजिए कि डार्लिंग, रोज रात को एक ही शरीर देख देख के उसका मजा ले लेके बोर नहीं हुई, रोज करोगी तब भी वैसे ही, 10 दिन बाद करोगी तब भी वही चीज मिलेगी, कुछ नया हो रहा है क्या हमारे बीच में। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री
हमारी बेडरूम लाइफ को स्पाइस अप कर देती है, तो ट्राई करने में हर्ज क्या है? नहीं अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो नहीं करेंगे। इस तरह से आप अपनी बात को रख सकते हो। आपको अपनी वाइफ को इस बात का भी विश्वास दिलाना होगा कि मैं सिर्फ अपनी फैंटेसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के बारे में भी सोच रहा हूँ। आपको उसे ये भी बोलना होगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ किसी थर्ड पर्सन के साथ तुम्हारे रिलेशन बनने से, बेड शेयर करने से हमारे हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम्हें इस चीज में मैं खुद आगे प्रमोट कर रहा हूँ, खुद से प्रमोट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ किसी और के साथ बेड शेयर करते हुए, तो हमारी लाइफ में ये नेगेटिव कैसे इफेक्ट छोड़ सकती है जबकि मैं खुद इन चीजों के लिए राजी हूं। तुम मुझे कोई धोखा थोड़ी ना दे रही हो, मेरे सामने सारी चीजें कर रही हो मेरी सहमति के साथ, सब कुछ पॉजिटिव वे में ही तो है, बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुझे किसी थर्ड पर्सन को तुम्हारे साथ देख के जेलस फील होगी तो तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें किसी और के साथ बेड शेयर करते हुए सोचने मात्र से ही मैं इतना एक्साइटमेंट फील करता हूं, तो सोचो जब मैं तुम्हें देखूंगा करते हुए तो मुझे किस लेवल का अराउजल फील होगा। ये कुछ भी विशेष नहीं है, बस उनके लिए विशेष है जिन्होंने अभी तक इसे किया नहीं है। ये एक नया एक्सपीरियंस हम लोगों को देगा। तुम्हें छूने के लिए एक नया शरीर मिलेगा जो कि तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएगा, तुम्हें प्लेजर फील होगा और तुम्हें प्लेजर सुख मिलते हुए देख मुझे अराउजल फील होगा, मेरी उत्तेजना बढ़ेगी और यही मेरी फैंटेसी है। तुम कुछ विशेष नहीं कर रही हो, बस खुद को वेज से नॉन वेज में शिफ्ट कर रही हो। जब मन किया वेज खा लिया और जब टेस्ट चेंज करने का मन किया तो नॉन वेज खा लिया। अब एक चीज और जो कि बहुत अंदर की बात है किसी भी फीमेल की, कि कोई भी फीमेल अपनी बॉडी अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील करती है, इसलिए अगर मन ही मन वो एग्री भी हो जाए इन चीजों के लिए तब भी उसे कुछ चीजें रोकती है। वो क्या? यार मैं पहले जैसी नहीं दिखती। मेरा जो हस्बैंड है उसने तो मुझे हर रूप में देखा है, जब मैं स्लिम थी तब भी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी, डिलीवरी के बाद भी और अब भी। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो मुझे देखेगा वो कैसा फील करेगा, उसे कैसा लगेगा? देखो हो सकता है कि वो अपने भाव आपको खुलकर बोले भी ना, तो ये चीजें आपको समझनी है। और एक बार आप समझ गए तो आपको उसके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने के ऊपर काम करना है। आपको ये विश्वास दिलाना है कि वो आज भी बहुत ज्यादा हॉट सेक्सी और ब्यूटीफुल लगती है, जिसके लिए आप उसकी कुछ फोटोज खींच के यहां से फेस हाइड करके उसकी कुछ सेक्सी आउटफिट में फोटो खींच के कोई फेक आईडी बना के फेसबुक पे अपलोड कीजिए और वहां पर बोलिए लोगों के कि खुल के कमेंट करें। और जब उस तरह के कमेंट आएंगे तो वो कमेंट अपनी वाइफ को दिखाएं, सब बोलें कि देख क्या कमेंट आए हैं, सबको तू इतनी ब्यूटीफुल सेक्सी और हॉट लग रही है, तो तू खुद को अपने आप को क्यों कम समझ रही है? और इतना तो तब है जब तू अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। अगर ध्यान देने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। तेरे पति ने तो तेरे को अच्छे से नाप तोल रखा है, पूरा मुआयना कर रखा है, हर रूप में तू उसे एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब तेरे दिमाग में एक कीड़ा आएगा कि यार मुझे किसी और के सामने अंड्रेस होना है, तो तू अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेगी। और जब तू अपनी हेल्थ को मेंटेन करना शुरू करेगी, अपनी बॉडी फिगर पे ध्यान देगी, तो तू अच्छे अच्छों को पानी पिला देगी। तो इस तरीके से आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप कर सकते हैं, जिससे उसे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए ये जो टिप्स और ट्रिक्स है मैंने आपको बताया, अब इनको आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्या तरीका है आपका, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि इस तरीके से चीजों को करके देखिए, करना तो आपको ही है ना। अब इन चीजों को आजमाकर सक्सेस हासिल करने में आपको एक महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है इन चीजों का। ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर, वो किस तरह का माइंडसेट रखती है, कितनी ओपन है, कितनी बोल्ड है। और हाँ एक चीज और, मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम जल्दी से कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बता दीजिए कि हमारी जो वाइफ है खुद ब खुद एग्री हो जाए इन चीजों के लिए, हमें एफर्ट ही ना करने पड़े, खुद से मेहनत ही ना करनी पड़े, हमें वो पॉइंट आउट ना करे, हमें शक की नजरे से ना देखे। मतलब ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ये फैंटेसी आपकी है, चाहत आपकी है, बीज आप डाल रहे हो उसके दिमाग में, तो खाद पान भी तो आपको ही देना होगा ना। तो थोड़ा सा मेहनत वेहनत करो, काम वाम करो, तब फल की इच्छा रखो। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स और ट्रिक्स समझ आए होंगे और आप इसे सक्सेसफुली फॉलो कर पाएंगे।